हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम रिएक्शन देने वाले हैं बागेश्वर धाम वाले गुरुजी यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को नमस्कार है, और बागेश्वर धाम वाले हनुमान जी को भी मेरा सत सत नमस्कार है गाइस। तो आज हम उनके थग लाइफ पे रिएक्शन देने वाले हैं। कभी कभी वो जब कथा सुनाते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जिसको सुन के बाद मजे आते हैं। और गाइस, मैंने खुद से इसको मर्ज करके वीडियो उठा के बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए, क्योंकि आपको मजे आने चाहिए। वीडियो ऐसा ना हो कि बोरिंग लगे, मजे आएंगे। वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मजे आने वाले हैं। और गाइस, मैंने और भी रिएक्शन दिया है। एमसी स्टेन की माँ बिग बॉस में आई थी, उस पर रिएक्शन दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। और गाइस, अभी इस पर रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कि कैसा बनता, कैसा है। मैंने तो बनाया है अपने लिए, आप बनाइए, बताइएगा कैसा है, बेस्ट है या फिर गुड है, कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कैसे हैं। स्टार्ट करें गाइस, स्टार्ट करते हैं। कभी मौका मिले बुझ दिलो, कभी मौका मिले तुम्हें काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना और वहां धीरेन्द्र कृष्ण से नहीं मिलना, वहां तुम धीरेन्द्र कृष्ण नामक व्यक्ति से नहीं मिलना, सीधा मंदिर चढ़ जाना, हाथ में नारियल लेना और उस लाल लाल बजरंग बली को देखना और कह देना बस खत्म, आज से तुम हमारा और हम से झूठ भी बोलोगे तो हम और खोल देंगे। आ, वैसे भी आपका वाईफाई तो नहीं बेटा इंसल्ट हिंदू बोल रहा था। एक कोई नई फिल्म बनी है जिसमें काली माता को सिगरेट पीते हुए पोस्टर दिखाया गया, ये गलत चीज है। ऐसे ठठरी के भरे को धाम पर लाकर के उसके कान में अगरबत्ती डालना चाहिए। मजे आ गए गाइस, मजे आ गए। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, ना से रोग हरे सब पीरा। बेटा तुम आ जाओ, लाल रंग का कपड़ा का नारियल लिए है, खड़ा हुआ है लास्ट की तरफ। हाँ, दौड़ कर आ जाओ, जो खड़ा हुआ है वहाँ खड़ा है। ब्लू शर्ट पहने तुम ही हो बेटा, नीली शर्ट पहने तुम, बैठ जाओ हाइट साइड। माई डियर प्लीज सिट डाउन। आपके पिताजी को कोई गाली बके गंदा बोले कि तुम्हारे पिताजी काल्पनिक है, तुम तो बिना पिताजी के पैदा हो गए, तो अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा। तो हमारे राम हमारे बाप हैं, हमारे राम काल्पनिक कोई कहेगा हमें अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा। तो ठोको या। आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपके पिताजी काल्पनिक कोई कहे, आपके पिताजी को कोई ढोंग कहे, आपके पिताजी को कोई पाखंड कहे, कैसा लगेगा बताओ? बिल्कुल बुरा। तो हमारे राम हमारे बाप है, परम पिता है, जगत पिता है, जगदीश है, जगन्नाथ है, जगत देवता है, जगदाधार है। तो वो फिर काल्पनिक पाखंड कोई कहेगा तो हमें कैसा लगेगा? तो माला और भाला दोनों के बड़े कहे हैं। हम तो कहते हैं प्रत्येक हिंदू के घर पर होना चाहिए, हथियार नहीं पर भाला रखो। पर मैं प्रार्थना करूं, हथियार का मतलब ये नहीं, अपनी वाणी ही हथियार है। वाह, आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा, पूरे युद्ध भर अगर रावण किसी से डरता था तो केवल हनुमान जी से। हाँ, पूरे युद्ध भर उन्हें अगर कभी चर्चा करी तो केवल जब अंगद द्वारा में अंगद गए रावण के पास चर्चा करने, अंगद संधि करने, तो अंगद संधि करने गए समझौता करने, तो रावण यही बोला, बोले वो जो तो राम लक्ष्मण वो तो वनवासी है, कोई बड़ी बात नहीं है, दमखम ज्यादा नहीं है। अंगद बोले तुम्हें डर किससे लगता है? अंगद बोले यही जा रहा नगर प्रथम, इन्हें पहली बार आके आग लगाई हूँ तनक। बाकी रावण कहता था तो पूरे युद्ध भर अगर रावण डरा तो हनुमान जी की पूंछ से, और हनुमान जी की पूंछ मजबूत क्यों ना हो, जिसकी पूंछ राम से हो उसकी पूंछ मजबूत क्यों ना हो। बुल्डोजर का मतलब आत्मरक्षा के लिए अपने पास व्यवस्था रखना। अगर तो अगर आपको दिक्कत है कि आपको डर है तो आप क्रेन रख लो। कैटेगरी में नहीं लगा आपको? बिल्कुल नहीं, हिंसा अगर अपनी रक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना अगर जो है भड़काऊ है तो आपको लग रहा है ये होते रहना चाहिए। ये समाज ऐसा हो गया कि जरूरत आन पड़ी है कि भाई हमें बुलडोजर रखना पड़ेगा, हमें अपनी आत्मरक्षा खुद करनी पड़ेगी, इस तरह का समाज आप मान रहे हैं? हमारे भारत वर्ष में तो ये कहा जाता है शांति प्रिय देश। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात क्यों कर रहे हैं? आत्मनिर्भर तो अलग है ना,
अगर वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो तो हम भी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो फिर इंसान खुद पुलिस बन जाए, ये कहना चाह रहे हैं? इंसान पुलिस नहीं, कानून को हाथ में नहीं लेना, आत्मरक्षा के लिए कोई भी वस्तु रखना। ये गन क्यों दी जाती है, गन का लाइसेंस क्यों दिया जाता है, ये बंद करवा पुलिस के पास तो खुद है। हम कहते हैं भारत को अगर विश्वगुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा पढ़ाना बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके परवाह करके बेटा महान नहीं बनेगा ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न है। कट्टरता के नहीं हम प्रेम के आदि हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। बिल्कुल नफरत के नहीं हम प्रेम के आदि हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। तो गाइस इतना ही था, और गाइस इसको दिखाने का मतलब ये नहीं था कि मैं हिंदू मुस्लिम या फिर सिख ईसाई किसी भी जाति का मैं कुछ भी लेकर या किसी भी धर्म को मैं ठेस पहुंचाने के लिए सोच रहा हूँ। बस मैं गाइस एक एंटरटेनमेंट के लिए लिया था। अगर मुस्लिम जाति के कोई लोग भी देख रहे वीडियो को तो ऐसा ना सोचे कि मैं आपके जाति के बारे में या फिर आपके धर्म के बारे में कुछ गलत कहता हूँ। आपका धर्म आपके जगह बिल्कुल सही है, हमारा धर्म बिल्कुल हमारे जगह सही है। आप अपने धर्म के बारे में अच्छा कहें, हम अपने धर्म के बारे में अच्छा कहें। गाइज बस मैंने एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए लिया था। अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सो सॉरी। अगर बुरा लगा तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर और रिएक्शन किसी वीडियो पे चाहिए तो बताइएगा, और कैसा लगा गाइज ऐसे ही अगर चाहिए तो भी बताइएगा, और कैसा लगा वीडियो बताना जरूर मत भूलिएगा, और वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। बोले हनुमान जी महाराज की जय, जय हो श्री राम।